व्यूअर्स, माय नेम इज वान चीमा एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज अबाउट गुलबर्ग ग्रीन्स। और गुलबर्ग ग्रीन्स में एक जो कॉमन सवाल सुनने को मिलता है, दैट इज कि क्या गुलबर्ग ग्रीन में आया कोई हॉस्पिटल मौजूद है या नहीं। इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन के एंट्रेंस रोड में हूँ, यानी जैसे ही आप इस्लामाबाद हाईवे से नीचे उतरते हैं और गुलबर्ग की तरफ एक्सेस लेते हैं। इस वीडियो में ट्राई करूँगा डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि गुलबर्ग ग्रीन्स में कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है और हॉस्पिटल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी है, और जो हॉस्पिटल साइट पे इस वक्त बन रहा है उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, उसका एरिया कितना है, ओवरऑल डिटेल्स हॉस्पिटल के हवाले से। सबसे पहले गुलबर्ग ग्रीन्स में आप सबसे जब हाईवे से एंटर होते हैं इस्लामाबाद हाईवे से, तो सबसे पहले फॉरमोस्ट लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक आता है, जो भी मेरे लेफ्ट साइड पर है ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स एग्जेक्टिव ब्लॉक। इसमें 4 और 5 कनाल की कटिंग्स मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई बड़े फार्म हाउसेज मौजूद नहीं है। गुलबर्ग में एंटर होने के बाद इनिशियली जो 6 से 6.5-7 किलोमीटर का एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लॉट्स के रिजर्व है, जहाँ पे सिर्फ फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे छोटे यूनिट्स के प्लॉट जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़ी कटिंग्स हैं जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल की कटिंग्स हैं, शुरू के 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में। उसके बाद फिर आगे गुलबर्ग रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है, जहाँ पे छोटी कटिंग्स मौजूद हैं जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल और 2 कनाल की कटिंग्स हैं। इसके अलावा फिर आगे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो मेन बुलेवर्ड पे अवेलेबल हैं। तो ये ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीन्स का एंट्रेंस है। यहाँ पे आगे जो आपको रेड कलर का ब्रिज नजर आ रहा है, ये एंट्रेंस गेट है। और लेफ्ट साइड पे पहले गुलबर्ग सिविक सेंटर, जिसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक पर आपको आई बटन मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड पे 4 कनाल और 5 कनाल के फार्म हाउसेज के प्लॉट हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के। इस रेड ब्रिज से जब एंटर होते हैं आप, तो पहले फिर आपके लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक आता है और राइट साइड पे बी ब्लॉक आता है। अभी आपके सामने जो कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है, मैं आपको जब करीब से जाता हूँ मैं इनका भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कौन से मॉल्स बन रहे हैं, ओवरऑल जो इसकी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे किस तरह से हो रही है। सबसे पहले जब जैसे आप रेड ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो जो गुलबर्ग का सिग्नेचर मॉल है, यानी जिसका नाम ही है गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग, वो आ जाता है, जिसका एरिया बनता है, रकबा बनता है 18 कनाल। और ये ग्राउंड प्लस 23 का प्रोजेक्ट है जो गुलबर्ग की एंट्रेंस पे 16 कनाल का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग, जिसका जो कमर्शियल वाला पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ शॉप्स, फूड कोर्ट, ऑफिसेज और जो शॉप्स ग्राउंड फ्लोर लोअर ग्राउंड पे होंगी, वो तो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, अभी आगे अपार्टमेंट्स पे काम शुरू होगा। और राइट साइड पे जो मॉल है, इनमें समामा स्टार और गुलबर्ग स्टार मॉल है। और आगे जो आपको ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्काई पार्क 1 है, जिसकी इंतहाई शानदार तेजी से बहुत ही अच्छे इंटीरियर, बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की गई विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 18 मंथ्स और सो। और यहाँ पे इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हैं 50% डाउन पेमेंट, और इसके बाद बाकी आपका 3 ईयर का पेमेंट प्लान बनता है स्काई पार्क 1 में। और स्काई पार्क 1 इस वक्त तकरीबन जो है अपनी फिनिशिंग स्टेज पे है, यानी कि जो नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं उनकी फिनिशिंग जो है मुकम्मल होना शुरू हो गई है, और ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी लेटेस्ट स्टेज पे फिनिशिंग जो है उसका काम होगा। आप जो गुलबर्ग में एंटर होने के बाद आपको जो पहला राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद राइट साइड पर टेलीनॉर का ऑफिस है, जिसका एरिया है 168 कनाल। ये टेलीनॉर का हेड ऑफिस है। यहाँ से टेलीनॉर के जो दूसरे कंट्रीज, जिसमें थाईलैंड है और दूसरे कंट्रीज हैं, वहाँ के ऑपरेशंस भी कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये ऑपरेशनल ऑफिस है इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन्स में टेलीनॉर का। और लेफ्ट साइड पर जो आपको बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है, इस बिल्डिंग का नाम जो इसका है, ये बिल्कुल क्या नाम है, टेलीनॉर के ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। और इस बिल्डिंग में जो टावर्स बने, 2 टावर्स बन रहे हैं, जिसमें एजे टावर्स के नाम से ये बिल्डिंग है, और इसमें एक कमर्शियल टावर होगा और एक रेजिडेंशियल टावर। यानी इसके अलावा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल डिफाइन कर दिया क्लियरली कि एक ही बिल्डिंग में 2 टावर्स नहीं है। जैसे आपको सामने लेफ्ट साइड प्रिज्म हाइट नजर आ रहा है कि इनिशियली जो नीचे 5 या 6 फ्लोर्स हैं वो कमर्शियल होंगे, उसके बाद ऊपर अपार्टमेंट शुरू होंगे, तो ये एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे एजे टावर्स का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि एक बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और दूसरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल है। ये मेन बुलेवर्ड पे मैं सेकंड राउंड अबाउट ए और बी ब्लॉक के डिवाइडर रोड से गुजर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग एरिना, राइट साइड पे डायमंड मॉल, और इसको बिल्कुल क्रॉस करते ही गुलबर्ग हाइट्स का प्लॉट है, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, बस ये कि अंदर से फिनिशिंग का काम जो है वो रहता है। और पहले राउंड अबाउट को क्रॉस करने के बाद जब दूसरे राउंड अबाउट पे आप आते हैं, तो ये गुलबर्ग का एक प्राइम एरिया कह रही है, जो प्लॉट्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ये रिजर्व हैं दोनों प्लॉट्स गुलबर्ग मेगा कमर्शियल्स के लिए। यानी जिस तरह पे यहाँ पे इस्लामाबाद में आप कह लें सेंटोरस मॉल हो गया, DHA2 में गीगा मॉल, उस तरह के बड़े प्लॉट्स के लिए ये 2 कमर्शियल प्लॉट रिजर्व हैं। और उसको क्रॉस करते लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक का फार्म हाउसेज हैं। यानी इस राउंड अबाउट के जब आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो ये सबसे लग्जरी ब्लॉक काउंट होता है गुलबर्ग ग्रीन्स का फार्म हाउसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो ब्लॉक है क्योंकि इसकी मोस्टली साइड जितनी हैं वो कमर्शियल फ्री हैं, यानी कि सिर्फ सामने वाली साइड पे एक 5-star होटल का प्लॉट है, जो मैक्सिमम बिल्डिंग बने पाकिस्तान की प्रैक्टिस के मुताबिक तो तकरीबन G+5 की बिल्डिंग बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। और उससे आगे जो है
वो रेजिडेंशियल प्लॉट शुरू हो जाते हैं दोबारा डी और ई ब्लॉक के। तो सबसे अच्छा ब्लॉक, रीजनेबल ब्लॉक जो है वो फार्म हाउस की, इसकी बिल्कुल फाइव स्टार होटल की बैक साइड पे है, दैट इज गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक सी, जहाँ पे चार कनाल, पांच कनाल, दस कनाल के फार्म हाउसेज हैं। अब प्राइस की बात करें तो चार कनाल का प्राइस जो आमतौर पर प्लॉट मिलता है आपको डेवलप पोजिशनेबल, दैट इज अराउंड 90 to 95 मिलियन, यानी 9 to 9.5 करोड़ की ब्रैकेट का। अगर हम बात करें पांच कनाल के प्लॉट की तो उसकी ब्रैकेट बनती है अराउंड 11.5 करोड़ प्लस माइनस। ये जो इस वक्त आज के डेट में प्राइसेस हैं इसमें प्लस माइनस आता रहता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्लॉट और ब्लॉक ऑफ प्लॉट के कौन से ब्लॉक में है। इसके अलावा यहाँ के बाकी इतनी चेंजेस नहीं आती। और 10 साल के प्लॉट की बात करें तो उसकी एवरेज प्राइस ब्रैकेट जो मार्केट में डिमांड है दैट इज अराउंड 180 million to 200 million, 18 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान में आपको प्लॉट मिलता है 10 कनाल का, जो गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ए बी सी, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे किस तरह का प्लॉट है। इस वक्त मैं ब्लॉक सी को क्रॉस कर रहा हूँ और ब्लॉक सी के क्रॉस करने के साथ ही आगे जो फार्म हाउसेज के सबसे बड़े ब्लॉक्स हैं दैट इज ब्लॉक डी एंड ब्लॉक ई, जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्म हाउसेज है वो ब्लॉक डी है और ब्लॉक ए में सबसे ज्यादा है और ब्लॉक डी में सबसे ज्यादा है। और ब्लॉक डी के साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट आगे हॉस्पिटल का प्लॉट है जिसका नाम है रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसके आपको मैं अभी पास जाकर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, प्लस की एरियल फुटेज होगी वो भी मैं साथ शामिल कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि यहाँ पे इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन्स में ऑन ग्राउंड जो स्टेटस है डेवलपमेंट का वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के वाले से। क्योंकि गुलबर्ग का काम मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2013-14 में, तो अर्ली डेज में तो मुझे गुलबर्ग को सारा मैंने बनते हुए देखा हुआ कि गुलबर्ग ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है गुलबर्ग की किस तरह हुई है और कितने बड़े एरिए पे। सो गुलबर्ग के अंदर आपको डेवलप्ड एरिया मिलता है दैट इज अराउंड 75 to 78,000 कनाल और टोटल एरिया जो है वो 1,20,000 से ऊपर है, और बाकी बहुत सारा एरिया गुलबर्ग का रेजिडेंशिया का स्पेसिफिकली वो अभी नॉन डेवलप्ड है। अभी मैं ब्लॉक डी और ब्लॉक ई की डिवाइडर रोड पे हूँ मेन बुलेवर्ड पे, जिसकी विड्थ है 220 फीट, और लेफ्ट साइड पे जो प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं सबसे पहले अलकमाल हाइट्स है और ये चार कनाल का प्रोजेक्ट है और मेन रोड पे ही, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन अपने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और फिनिशिंग पे काम हो रहा है। उसके बिल्कुल ही साथ आ जाता है सरीन हाइट्स, सरीन हाइट्स के भी ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, नीचे कमर्शियल हैं, ये भी चार कनाल का प्रोजेक्ट है। राइट साइड पर जिबोरा मॉल है जिसकी अभी बहुत ही अच्छे डिजाइन और एलिवेशन के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है। आने वाले दिनों में जब इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो मैं अच्छा उसके वाले से भी आपको अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं जी अगले टावर पे, लेफ्ट साइड पे है गुलबर्ग ट्विन टावर। ये चार चार कनाल के दो प्रोजेक्ट हैं लेकिन अभी तक ग्राउंड से नहीं निकले, कोई कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा हाइप भी नहीं पकड़ी। अब जी आगे बिल्कुल पास के ये गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया का सेंटर पॉइंट है, यानी ना ये हॉस्पिटल के जो प्लॉट है, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के जो बाकी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, ए ब्लॉक में स्कूल मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, और लेकिन ओवरऑल जो सेंट्रली चीज़ें हैं वो ब्लॉक डी क्रॉस करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पे आती हैं, जिसमें आपको मेजर बिल्डिंग नजर आती हैं जो स्पेसिफिकली ग्रीन्स में भी नहीं आती। ग्रीन सीडीए के जोन 4 में है, यहाँ पे आप 20% एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और 80% एरिया आपको ओपन रखना कंपलसरी होता है। और जबकि रेजिडेंशिया में रूल जो है वो रिवर्स है, वो है 80-20, 80% पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है एंड 20% आपको ओपन रखना होता है, जो छोटे प्लॉट से पीछे जिनका साइज 5 माला से लेके 2 कनाल तक होता है। ये सामने गुलबर्ग में जो हॉस्पिटल बन रहा है रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसका प्लॉट है, उस पर जो कंस्ट्रक्शन अभी हो चुकी है वो, अब मुझे प्लॉट का एग्जैक्ट साइज तो नहीं पता कि इसका साइज कितना है, लेकिन ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो आपके सामने है कि इतनी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है। और उसकी बैक साइड में बिल्कुल आईबी के अपार्टमेंट्स हैं जो आईबी के एम्प्लॉयज़ को मिले हैं, या ड्रीम हाइट्स के नाम पे अपार्टमेंट्स हैं, इनकी भी देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से मुकम्मल हुई है, लेकिन ओवरऑल प्लॉट अगर देखा जाए स्पेसिफिकली हॉस्पिटल का प्लॉट तो उस पर कंस्ट्रक्शन जो है वो लाजवाब तरीके से मुकम्मल की गई, और आने वाले दिनों में होपफुली यहाँ पे ऑपरेशनलाइज भी जल्दी हो जाएगा। ये मेरे राइट पे इस वक्त प्लॉट आपको नजर आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है आपको, ये रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का प्लॉट है जिसपे अभी कंस्ट्रक्शन हो भी रही है, और आने वाले दिनों में मजीद जब इस पर काम मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके वाले से आपको लाजमी अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको गुलबर्ग ग्रीन्स या गुलबर्ग रेजिडेंशिया में मालूम चाहिए प्लॉट के वाले से, या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट के वाले से, तो आप दिए गए ना पे लाजमी कॉन्टैक्ट करें, और हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makamsolutions.com। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।